हेलो फ्रेंड्स, मैं सर डॉक्टर एम के गोखरू, डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज है। अब तक हमने वेक्टर कैलकुलस में एक प्रारंभिक व्यू देखा है, जिसमें अब हम सदिश राशियों के साथ डिफरेंशिएशन का डील करना, डिफरेंशिएशन की विधा को किस तरह से किया जाता है, डिफरेंशिएशन किस तरह से होगा, डिफरेंशिएशन का मतलब रेट ऑफ चेंज किस तरह से होता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ली। पर यहां विशेषता क्या है, सदिश राशि है, सदिश में उस राशि में परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। और मैंने शुरू में कहा था कि परिमाण और दिशा दोनों को ध्यान में रखते हुए अब हमें जो कुछ भी करना है वो दोनों को ध्यान में रखते हुए कुछ करना पड़ेगा। तो एक रिजल्ट डिराइव किया था कल, वो रिजल्ट इस तरह से था कि अगर एक सदिश इफ ए इज ए वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी, देन टी का स्केलर वेरिएबल और मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड ए हो, तो हमने एक रिजल्ट डिराइव किया था d of dt of a square वेक्टर a square will be equal to d of dt of वेक्टर a square will be equal to twice a dt over dt। देखिए यहाँ परिमाण और दिशा दोनों साथ है इस वेक्टर, वो एक स्केलर के बराबर इस स्केलर के, और नेक्स्ट रिजल्ट फर्स्ट रिजल्ट ये था और नेक्स्ट रिजल्ट था डी ऑफ डी टी ए, ये था ए डॉट डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू ए डी ए ओवर डी टी। ये दो रिजल्ट हमने कल डिराइव किए कि वेक्टर ए के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करें, वो स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के टर्म में, ये मैग्नीट्यूड वाली टर्म से इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, ये स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये दोनों स्केलर का प्रोडक्ट होगा। इसी तरह से ये वेक्टर का वेक्टर ए और उसके डेरिवेटिव का डॉट प्रोडक्ट, वो ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर होता है, इसलिए ये स्केलर टर्म इसके बराबर होगी। ये दो रिजल्ट हमने प्रूव किए थे इसके लिए वेक्टर टर्म का डिफरेंशिएशन हो तो इस तरह से होगा, ये हमने किया था। अब इसके बाद में मैंने एक और थ्योरम की थी कि सफिशिएंट नेसेसेंट सफिशिएंट कंडीशन वेक्टर ए टू बी ए कांस्टेंट वेक्टर, अगर वेक्टर कोई कांस्टेंट हो, अब देखिए कांस्टेंट वेक्टर है, वेक्टर कैसा है, कॉन्स्टेंट वेक्टर, कॉन्स्टेंट वेक्टर मीन्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर कॉन्स्टेंट। जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कॉन्स्टेंट है तो ये रिजल्ट था डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू जीरो, मीन्स एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कॉन्स्टेंट हो उसके लिए डी ए ओवर dt is equal to zero हो। और बाद में एक और रिजल्ट जिसको मैंने शायद प्रूव किया होगा, नहीं किया तो अभी देख लेते हैं, ये कांस्टेंट वेक्टर के लिए तो डेरिवेटिव जीरो सीधा सीधा, पर अगर एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड केवल कांस्टेंट, अब मैं दो बातें करूंगा कि एक देखिए मैं ऐसा करता हूं इसका दो पार्ट, कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड यानी जिस सदिश का वेक्टर ऑफ कॉन्स्टेंट, बल्कि वेक्टर ऑफ कॉन्स्टेंट, वेक्टर ऑफ कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड, और यहां वेक्टर ऑफ कॉन्स्टेंट डायरेक्शन, देखिए चीजें मेरे ख्याल से दोनों साथ लेने पे ज्यादा ठीक रहेगा कि वेक्टर जिसका केवल मैग्नीट्यूड कांस्टेंट और डायरेक्शन कांस्टेंट है
और वेक्टर जिसका डायरेक्शन कॉन्स्टेंट हो, पहले तो प्रैक्टिकली चलिए इसको देख लेते हैं कि क्या ऐसी स्थिति आती है जिसमें मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट है पर डायरेक्शन बदल सकता है, डायरेक्शन चेंजिंग है। तो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि एक धागा हमने हमारे धागे के साथ एक पत्थर बांधा या कोई आर्टिकल बांधा और उसके बाद उस धागे को यहां लेके उंगली पे यहां बांध के और लगा के घुमाते हैं, बराबर एक स्पीड से घूमने लग जाए तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट होगा पर उस पत्थर का डायरेक्शन हर क्षण बदलता रहेगा, उस पत्थर का डायरेक्शन हर क्षण बदलता रहेगा। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है पर मैग्नीट्यूड यों घुमाने पर मैग्नीट्यूड वही रह रहा है। तो ये तो एग्जांपल हो गया जिसमें मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है। दूसरा एग्जांपल ये वेक्टर ऑफ कांस्टेंट डायरेक्शन, एक स्ट्रेट लाइन में कार मूव, एक स्ट्रेट रोड पर एक कार मूव कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से तो वेक्टर का डायरेक्शन तो क्या है, कांस्टेंट है, पर अगर मैग्नीट्यूड उसका बदल जाए यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं बल्कि चेंजिंग वेलोसिटी से वो मूव कर रही है, यानी वेलोसिटी कभी ज्यादा हो रही है तो हम एक्सेलरेटेड स्टेज पे कह देते हैं, तो उस केस में उस वेक्टर का क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड तो बदल रहा है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदल रहा है पर डायरेक्शन वही रह रहा है। तो ये दो स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल हम ध्यान में रख सकते हैं। अब जब ये दो एग्जाम्पल लिए हैं तो इन दो एग्जाम्पल्स के आधार पर बात करें तो पहला मैं इस पार्ट को टच करता हूँ, वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, यानी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का वेक्टर होगा क्या होगा, वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मींस ए इज इक्वल टू, एक वेक्टर ए है जिसकी हम बात करना चाह रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मींस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ए, ये हमें अचर है, इट इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट, दिस इज वेक्टर, दिस वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट, its magnitude is constant but the direction is not constant, so this is a vector whose magnitude is constant, iska magnitude constant hai, jab magnitude constant hai to jab ye vector constant nahi hai to kya hoga, bhi da over dt is not equal to zero kyunki vector constant nahi hai, कांस्टेंट होता तो हमने जो पहले किया डी ए ओवर डी टी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अब देखिए मैं इसको ऐसा ले सकता हूं, इस वेक्टर को ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ए ए कैसे है, कांस्टेंट है, इट इज कांस्टेंट, ए डॉट ए इज कांस्टेंट, और जब ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव करें तो क्या आएगा, डेरिवेटिव हमने किया था ए स्क्वायर का डेरिवेटिव जो किया था उस डेरिवेटिव के आधार पर इधर क्या आ जाएगा, ए डॉट डी ए ओवर डी टी, और इधर क्या आएगा, ट्वाइस ए डी ए ओवर डी टी। अब इस टर्म के बारे में देखें, ये टर्म क्या है, ए कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो, सो this derivative is zero, so this a dot da over dt, a dot da in this case jab magnitude constant ho us case mein this will be equal to zero, aur jab ye zero ho gaya it means do vector ka dot product zero, to kya hota hai, a is perpendicular to da over dt, A is perpendicular to DA over DA over DT, जैसे मैंने बताया था कि वो घुमाने वाले केस में क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट और उसका डायरेक्शन टेंजेंट की तरफ होता है, हमेशा डायरेक्शन जिस सर्कल में वो मूव कर रहा है जिस पॉइंट पर है उसके टेंजेंट की तरफ उसका डायरेक्शन होता है, तो ये मैग्नीट्यूड और ये DA over DT,
डेरिवेटिव हमेशा टेंजेंट की तरफ, आगे चल के आपको बताऊंगा भी कि डेरिवेटिव हमेशा टेंजेंट की तरफ। तो ए वेक्टर ए और डी ए ओवर डी टी आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो ए तो क्या हुआ, ए तो इस डायरेक्शन में और डी ए ओवर डी टी इस डायरेक्शन में, इसलिए ये परपेंडिकुलर होंगे। तो एक रिजल्ट तो तय हो गया कि वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के लिए ए डॉट ए इज ए डॉट डी ए, ए डॉट डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू जीरो। ये एक रिजल्ट है जिसको हम काम में लेने वाले। आप देखिए नेक्स्ट थ्योरम क्या है, द नेसेसिटी थ्योरम जिसको मैं प्रूव करूंगा, इसी तरह से वहां भी करना है, पर यहां एक थ्योरम है कि नेसेसिटी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नेसेसिटी सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए टी टू बी वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ए फंक्शन ऑफ टी इज ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, यानी ये वेक्टर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का होगा, उसके लिए नेसेसरी आवश्यक और पर्याप्त कंडीशन क्या है। नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन फॉर वेक्टर टू बी अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज दैट ए डॉट डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू जीरो। यानी नेसेसरी क्या है कि ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है, तो क्या होगा ए डॉट डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू जीरो। तो नेसेसरी तो हम देखा जाए तो नेसेसरी हम जानते हैं, क्योंकि बता देंगे यानी आवश्यक, आवश्यक प्रतिबंध क्या है, आवश्यक प्रतिबंध है कि एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का वेक्टर है तो उसमें ए डॉट डी ए और डी टी इज इक्वल टू जीरो होगा, जो हमने अभी प्रूव किया है, वही स्टेप्स है, वही करना है, उसी तरह से चलना है। तो मेरे पास ये रिजल्ट तो स्टेट हो, फिर सफिशिएंट कंडीशन मैं आगे नेसेसरी एंड सफिशिएंट को भी एक बार, क्योंकि तुम लोग मैथमेटिक्स में हो और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, नेसेसरी में क्या होता है, सफिशिएंट में क्या होता है। चलिए मैं देखता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में जब कभी भी बात करेंगे तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वाली बात को भी समझने का प्रयास करें। तो क्या है पर्याप्त प्रतिबंध, पर्याप्त प्रतिबंध क्या है कि अगर ये जीरो है ए डॉट इट इज गिवन ए डॉट डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू जीरो, ये दे रखा। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ये वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। हमें क्या प्रूव करना है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ये दे रखा है। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड बताना है। देखिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ये जीरो है तो इसका ट्वाइस भी जीरो, और ये जब ट्वाइस जीरो है तो इसका अर्थ क्या हुआ, मैं इसको जो लिख सकता हूं ए डी ए ओवर डी टी प्लस डी ए ओवर डी टी डॉट ए इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसा लिख सकता हूं। और इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो ये क्या होगा डी ऑफ डी टी ऑफ डी ऑफ डी टी ऑफ ए डॉट ए, यही तो है जीरो, और डी ए और दिस इज इक्वल टू जीरो। यहां से मैं कह सकता हूं दिस इंप्लाइज डी ऑफ डी टी ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, और वेक्टर ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो जब ये जीरो है इसका अर्थ क्या हुआ कि ए का ए डॉट ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका डेरिवेटिव जीरो, इसका मतलब क्या हुआ ए डॉट ए इज ये कॉन्स्टेंट, और ये
जब किसी भी वेक्टर का डेरिवेटिव जीरो अपन ने शुरू में किया था, डेरिवेटिव जीरो है तो वो वेक्टर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ए डॉट ए इज कांस्टेंट, और ए डॉट ए कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ, दिस इज ए डॉट ए, ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। जब ये कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट होने का अर्थ क्या हुआ, ये मैग्नीट्यूड है, इट मींस ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड ए कांस्टेंट, यही सो करना था। तो आवश्यक प्रतिबंध क्या है, कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, उसके लिए नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन क्या है, ए डॉट डी ए और डी ई जीरो, एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के वेक्टर के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि ए डॉट डी ए और डी ई जीरो, और पर्याप्त प्रतिबंध है कि ए अगर ए डॉट डी ए और डी ई इक्वल टू जीरो तो निश्चित रूप से उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। ये तो हमने इधर बात कर ली, अब डायरेक्शन वाली बात करनी है। डायरेक्शन वाली बात में इस थ्योरम को मैं अभी यहां से रब नहीं कर रहा हूं, बिगा नहीं रहा हूं, आधे पार्ट में इसको करने की कोशिश करूंगे, जे थोड़ा सा प्रयास करें। तो हाँ, नेक्स्ट थ्योरम है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ वेक्टर इज ऑफ कांस्टेंट डायरेक्शन। कांस्टेंट डायरेक्शन वाले वैक्टर के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी, A क्रॉस डी ए ओवर डी इक्वल टू जीरो। देखिए मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो, और डायरेक्शन कांस्टेंट है तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। ये बहुत अच्छे से ध्यान में रहना चाहिए, पूरा कांस्टेंट है तो क्या होता है, डेरिवेटिव जीरो, पर अगर केवल इसी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो उसमें ए डॉट डी ए और डी टी इक्वल टू जीरो, और केवल डायरेक्शन कांस्टेंट है तो ये आएगा, ये बताना है, ये शो करना है। तो अब इसको शो कैसे करें, देखिए इसको शो करने से पहले एक प्राइमरी रिजल्ट हम डिराइव करते हैं, उसको लेमा कहते हैं, जिस रिजल्ट की हमें आवश्यकता होगी उस रिजल्ट को हम लेमा कहते हैं, उसको डिराइव करते हैं। तो कोई भी वेक्टर जिसको मैं एक वेक्टर है उसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए एंड यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन, ऐसे लिखते हैं हम किसी वेक्टर को, ए इंटू ए, ये तो है वेक्टर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी, ये इसका इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन, तो किसी वेक्टर को ऐसा लिख सकते हैं। तो इसके डेरिवेटिव करें तो क्या होगा, d ऑफ dt ऑफ a करें तो क्या आएगा, ये स्केलर d a dA और dt प्लस फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव सेकंड, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी डी ए ओवर डी टी वेक्टर, यही आएगा। देखिए यही रिजल्ट होगा, ए डी ये ए डॉट ए इंटू इंटू डॉट में इंटू, क्योंकि तो स्केलर है और ये वेक्टर ये काम है, तो वेक्टर और स्केलर का तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन, ये स्केलर है और ये वेक्टर है, सिंपल। अब मैं इस रिजल्ट को डिराइव कर रहा हूं, लेमा जिसको मेरे को आवश्यकता है, तो मुझे चाहिए ए क्रॉस डी ए ओवर डी टी, सो डी ओवर डी टी ये है, तो ए क्रॉस डी ओवर डी टी की जगह मैं ये लिख देता हूं ए डी ए ओवर डी टी प्लस डी ए ओवर डी टी, और एक रिजल्ट है जिसको मेरे को आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि मुझे ये शो करना है, तो मैं इस पहले इस रिजल्ट को डिराइव कर रहा हूँ कि ये है क्या है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए ये
वेक्टर टर्म है, ये स्केलर है, ये वेक्टर टर्म है, ध्यान रखे। तो क्रॉस प्रोडक्ट में स्केलर टर्म तो बाहर लिखते हैं और ये क्या होगा, ए क्रॉस बी ए और डी ए और डी टी प्लस ये स्केलर टर्म है डी ए और डी टी, तो पहले तो इसको लिख देते हैं डी ए और डी टी और बाकी ये ए क्रॉस ऐसा लिखेंगे। अब देखिए ये ए वेक्टर है, इस वेक्टर दिस वेक्टर कैन बी रिटन एज ए ए मैग्नीट्यूड ए एंड ए के क्रॉस डी ए ओवर डी टी प्लस डी ए ओवर डी टी ऑफ ए इंटू ए के क्रॉस। So this is a square into a into dA over dt and plus zero, क्योंकि इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, a क्रॉस a क्या होता है, जीरो। सो दिस इज डिविजन विच आई रिट। सो मैं यहां से इन सारी चीजों से ये कह सकता हूं कि a क्रॉस dA over dt is nothing but a square ak क्रॉस dA over dt। ध्यान रखिए, देखिए ये कैसा वेक्टर है भाई, यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है और ये डेरिवेटिव भी यूनिट वेक्टर का है। अब यहां क्या है, डायरेक्शन कांस्टेंट है, कॉन्स्टेंट है ना डायरेक्शन, तो उस स्थिति में अब क्या होगा, कैसे होगा, उसकी बात करेंगे। हमारी थ्योरम क्या थी, द नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन, द नेसेसरी सफिशिएंट थ्योरम ये है, द नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए वेक्टर ए टू बी अ कॉन्स्टेंट डायरेक्शन इज दैट। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है, वेक्टर ऑफ कांस्टेंट कांस्टेंट डायरेक्शन। आप कहां से स्टार्ट करेंगे कि एक वेक्टर ए, ए वेक्टर है, इसका डायरेक्शन कांस्टेंट, डायरेक्शन कांस्टेंट होगा तो क्या होगा बेटा, जब डायरेक्शन कांस्टेंट है तो इसका अर्थ क्या हुआ, ए डायरेक्शन कॉन्स्टेंट है, इसका अर्थ क्या हुआ, दिस इज इक्वल टू ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब ये वेक्टर क्या है, कॉन्स्टेंट वेक्टर है, ये वेक्टर कॉन्स्टेंट होने के कारण कॉन्स्टेंट वेक्टर क्यों हो गया, देखिए डायरेक्शन तो इस कारण से कॉन्स्टेंट है, डायरेक्शन तो इस कारण से, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, वन। सो दिस ए के कॉन्स्टेंट वेक्टर, और जब ये एक कॉन्स्टेंट वेक्टर है तो कॉन्स्टेंट वेक्टर के लिए हम क्या जानते हैं, कॉन्स्टेंट वेक्टर के लिए हम जानते हैं कि डी ए के पावर डी टी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि अपन ने शुरू में देखा था कि कोई वेक्टर अगर कॉन्स्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव जीरो। सो जब ए कैप की बात करें तो डी ए कैप और डी टी इज इक्वल टू जीरो, ये हम जानते हैं। तो कांस्टेंट डायरेक्शन होगा तो क्या होगा भाई, ए क्रॉस डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्रॉस डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट आपने निकाल रखा है, ए स्क्वायर ए कैप क्रॉस डी ए के ओवर डी टी, क्योंकि ये टर्म जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ए कैप इंटू जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो। ये रिजल्ट, यही रिजल्ट तो करना था कि ए क्रॉस डी ए ओवर डी टी, तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है नेसेसरी कंडीशन, जो हमने इस लेमा के थ्रू ये एक बार डेरिवेशन कर लिया उसका प्रयोग कर रहे हैं कि कॉन्स्टेंट डायरेक्शन का है तो ए इंटू ए के, और ए के क्या है, मैग्नीट्यूड तो इसका ऑलरेडी वन है विच इज कॉन्स्टेंट, और डायरेक्शन भी कॉन्स्टेंट है
इसलिए ये कैसा हो गया, कांस्टेंट वेक्टर हो गया, और ये कांस्टेंट वेक्टर होने के कारण ये फैक्टर जीरो हो गया, और जब ये फैक्टर जीरो हो गया तो यहां से ये क्रॉस डी और डी टी इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज द कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, दैट अगर डायरेक्शन कांस्टेंट हो तो ए क्रॉस डी और डी टी जीरो होगा। अब दूसरी तरफ चलें, थोड़ा सा उसको ध्यान देना पड़ेगा सफिशियंट कंडीशन। सफिशियंट कंडीशन क्या है, सफिशियंट कंडीशन में हमें ये दे रखा है कि इफ ए क्रॉस डी ए और डी टी इज इक्वल टू जीरो देन वी हैव टू शो दैट, क्या शो करना है, ए डायरेक्शन ऑफ ए इज कांस्टेंट, दिस व्हाट वी हैव टू शो। तो ये शो करना है तो क्या होगा भाई, ए क्रॉस डी ए और डी टी इज इक्वल टू, ए क्रॉस डी ए और डी टी इज इक्वल टू जीरो, इसका अर्थ क्या हुआ, हम यहां से ये तो जानते ही हैं, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर ए के दिस इज इक्वल ए स्क्वायर ए के क्रॉस डी ए और डी टी इज इक्वल टू जीरो। अब ये तो मैग्नीट्यूड है, ये तो जीरो होगा नहीं, ये जीरो नहीं होगा तो क्या होगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो होता है इसका अर्थ क्या है, ए इज पैरेलल टू डी ए और डी टी, एक रिजल्ट ये होगा, क्या हुआ कि ए ए के इज पैरेलल टू डी ए ओवर डी टी, एक रिजल्ट कि इस तरह से, और ए का परिमाण अचर है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ए कैप का, ए कैप का ये जो ए कैप है इसका कोई भी वेक्टर ए कैप है इसका परिमाण तो अचर है, और परिमाण अचर होने के बाद इस वेक्टर की कंडीशन क्या होगी भाई, जिस वेक्टर का परिमाण अचर हो उसके लिए क्या होगा, ए डॉट डी ए और डी टी इज इक्वल टू जीरो, परिमाण अचर है ए वेक्टर डॉट डी ए और डी टी इज इक्वल टू जीरो, इससे पहले वाली थ्योरम है, क्योंकि इसका ये कैसा वेक्टर है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है, और कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के लिए ये होता है। इसका अर्थ क्या हुआ, दिस इंप्लाइज ए कैप इज परपेंडिकुलर टू डी ए ओवर डी टी, दिस इज सेकंड। देखिए यहां ये रिजल्ट और वन और टू को एक साथ देखें तो एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है जो ये वाला वेक्टर इस ए के पैरेलल भी है और ये वाला वेक्टर इसके परपेंडिकुलर भी है, ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा केवल किस कंडीशन में हो सकता है, जब डी ए ओवर डी टी डी ए कैप ओवर डी टी इज इक्वल टू जीरो, ये तभी पॉसिबल है कि ए इज पैरेलल टू दिस वन, ए इज परपेंडिकुलर टू दिस वन, ये कंडीशन केवल तब पॉसिबल है कि डी ए कैप ओवर डी टी इज इक्वल टू जीरो, और जब डी ए कैप ओवर डी टी इज इक्वल टू जीरो हो इट मीन्स व्हाट दिस इंप्लाइज, कोई भी वेक्टर का डेरिवेटिव जीरो हुआ इसका मतलब क्या हुआ, इट इज कांस्टेंट वेक्टर, यानी ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर कांस्टेंट, और जब ये दोनों कांस्टेंट है इसका अर्थ क्या हुआ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है, इट मींस इस वेक्टर का वेक्टर ए इज इक्वल टू ए इंटू ए के लिखते ना, अब ये तो बिल्कुल कांस्टेंट होंगे, इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट
डायरेक्शन भी कॉन्स्टेंट, तो अब इस कंप्लीट वेक्टर का क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड तो ये इसके कारण से वेरी कर रहा है, पर डायरेक्शन पूरे वेक्टर का वही होगा जो एक एक का है, इसलिए इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। तो हमने कहां से स्टार्ट किया सफिशिएंट कंडीशन में कि ए क्रॉस डी ए और डी टी इज इक्वल टू जीरो है, तो वेक्टर का डायरेक्शन कॉन्स्टेंट होगा, मैग्नीट्यूड तो इस कारण से एनहेंस हो जाएगा, बदल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों थ्योरम से, इन दोनों रिजल्ट से हम कह सकते हैं कि केवल मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, केवल मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो तो डॉट प्रोडक्ट ये जीरो होगा, और केवल डायरेक्शन कांस्टेंट हो तो क्रॉस प्रोडक्ट ये वाला क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे चल के बहुत काम आएंगे, इसलिए इनको बहुत ध्यान से हमें समझना है, देखना है। मुझे लगता है कि इसके नेक्स्ट टर्म में हम डेरिवेटिव्स की कुछ और बात करेंगे। धन्यवाद।